सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय स्त्री कृष्णाय वयम् नमः। यहां आज हम बताने जा रहे हैं कि भागवत हमें क्यों श्रवण करनी चाहिए, इसका क्या लाभ है और किसको श्रवण करनी चाहिए और कैसे श्रवण करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सत यहाँ पर मंगलाचरण के लिए पहला श्लोक इसमें दिया गया है और ये श्लोक जहाँ से ये महात्म्य लिया गया माने जिसकी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, ये भागवत की नहीं है, ये पद्म पुराण की है और जहाँ से जिस इसका अंश निकाला गया है आपको पता होगा। जैसे कि गीता क्या है, छोटा सा ग्रंथ है ना, लेकिन ये है किसका मालूम है, ये महाभारत का है, ठीक है, महाभारत का ग्रंथ है, उसमें छोटे से टुकड़ा निकाल लिया गया है 18 अध्याय जिसको गीता कहते हैं, जो भगवान ने अर्जुन को श्रवण कराई, लेकिन वस्तुतः ये कहाँ का है, तो ये है महाभारत का, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो महात्म्य श्रवण कराने जा रहे हैं, आप लोग जो महात्म्य श्रवण कर रहे हैं, ये महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित है और जहां से ये अंश निकाला गया है वहां पर ये श्लोक नहीं है। तो फिर आया कहां से, तो एक वृंदावन में महात्मा हुए हैं जिनका नाम था अखंडानंद, मोती झील पे आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहां के महात्मा ने इस श्रीमद् भागवत कथा की हिंदी की है, हिंदी का मतलब जो संस्कृत में थी उसका हिंदी में अनुवाद किया है। हिंदी करने का मतलब वो मत समझ लेना, एक हिंदी करने का मतलब अपमान में भी लगा लेते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ संस्कृत से जो हिंदी में अनुवाद किया है इसको कहते टीका की है। तो उन्होंने ये बताते हैं कि अपनी तरफ से जोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ तो उपलब्ध था नहीं, यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। अर्थ क्या है, बड़ा सरल है, सत्चित आनंद रूपाय, सत माने नित्य निरंतर हमेशा रहने वाले जो परमात्मा हैं वो, उन्हें सत कहते हैं। कैसे, आप इतने लोग बैठे हो सब लोग, ये बताओ आज के 100 साल पहले कितने लोग थे, कौन कौन थे 100 साल पहले, कोई नहीं था है? और 100 साल बाद कौन कौन रहेगा, कोई भी नहीं। लेकिन क्या कह सकते हैं कि 100 साल पहले परमात्मा नहीं थे, परमात्मा तो थे, और आगे 100 क्या 1000 साल बाद भी भगवान रहेंगे। तो जो हमेशा बने रहे उन्हें कहते हैं सत, ठीक है। अच्छा माताओं, आपसे एक प्रार्थना है, क्या कि हम आपसे, देखो हमें कथा वैसे आती नहीं है, पहली बात सुन लो,
और अगर जो आपसे हम कुछ पूछें तो आप बताती रहोगे, और जब आप बताओगी तो उसी से हम कथा सुना देंगे, ठीक है। अब आप बताओगी नहीं, पत्थर की मूर्ति बन के बैठोगी तो आनंद नहीं आएगा, ठीक है। हमारी कथा कुछ अलग तरीके से होती है, हमारी कथा बातचीत करते हुए होती है, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, आप मुझसे बात करो और कथा अपनी, ठीक है। हाँ, तो जो पूछा जाए उसका जवाब सबको देना है, ठीक है। आनंद चित माने होता है ज्ञान स्वरूप, ठीक है। ईश्वर की जब कृपा हो जाती है ना तो हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और ईश्वर की कृपा के लिए क्या है कि जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र आदि की उपासना की होगी उसे पता होगा कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र पढ़ता है ना तो उसको धीरे धीरे अपने ही अंतःकरण से उसको ज्ञान प्रकट होने लगता है, ज्वालामुखी की तरह। गायत्री की बात छोड़ दो, अगर जो तुम गायत्री नहीं पढ़ते तो जो गुरुजी का मंत्र है वो पढ़ने लग जाओ, कुछ नहीं करते सीताराम सीताराम करने लग जाओ, है कि नहीं है। एक बात और बता दें, जो व्यक्ति पूजा करता है, भगवान में ध्यान लगाता है, ठीक है, उस व्यक्ति में और वो व्यक्ति जो कभी पूजा नहीं करता उसके आचरण में भी अंतर होता है, होता है कि नहीं। पूजा करने वाले व्यक्ति को तुम दो शब्द अनुचित भी बोल दोगे तो वो सिर झुका के निकल जाएगा, होता है कि नहीं। और जो पूजा नहीं करने वाला है उससे तुमने अनुचित शब्द बोल दिया तुरंत झगड़ा कर देगा, क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो पूजा करने वाला व्यक्ति है वो दूर तक की सोचने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है कि अगर जो इसने तो कह दिया, इसने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अगर जो मैंने भी इसके बदले में कुछ बोला तो फिर ये बोलेगा, फिर मैं बोले, हम बोलेंगे, फिर ये बोलेगा, और ऐसे बोलते बोलते कोई अंत, और अंत में झगड़ा तो पक्का। अब अगर जो समझदार व्यक्ति है उसने कह दिया वो चुप निकल गया, तो जब वो बिना कुछ बोले निकल गया तो सामने वाला फिर क्या कहेगा बताओ, और झगड़ा, ये अंतर होता है। जो भगवान की पूजा तक करने लग जाता, साधारण कोई विधि नहीं जानता, कोई क्रिया नहीं जानता, केवल भगवान को जानता है, कैसे कर रहा पूजा ये छोड़ दो, केवल भगवान को जानता, उसके अंदर ये बुद्धि का विकास हो जाता, हो जाता कि नहीं। तो जब भगवान की साक्षात कृपा हो जाएगी तब ज्ञान क्यों नहीं हो जाएगा। उदाहरण दे दें, ध्रुव जी महाराज थे, ठीक है, और ध्रुव जी महाराज बेचारे बिना पढ़े थे, 5 वर्ष की अवस्था थी, 5 वर्ष से ज़्यादा थी नहीं, और मनुस्मृति कहती है कि 5 साल 5 महीने 5वें दिन से बच्चे का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन का मतलब समझते हो, उपनयन का मतलब होता है उसी दिन गायत्री दी जाएगी, उसी दिन यज्ञोपवीत किया जाएगा, और उसी दिन से उसको विद्या अध्ययन में लगाया जाएगा। अब वे 5 साल के हो ही पाए थे, 5 महीना बाकी थे, तो पढ़े नहीं थे, और जब पढ़े नहीं थे तो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मुंह से क्या कहें ये नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। भगवान जान गए कि कुछ बोलना तो चाह रहा है मेरा प्यारा भक्त छोटा सा, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना शंख उनके गाल पर स्पर्श कराया, और जैसे ही गाल पर शंख स्पर्श करा दिया वैसे ही ध्रुव जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने स्तुति की, वो समय आने पर सुनाएंगे। तो कहने का मतलब है ईश्वर की कृपा जब होती है ना तब ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है ना तब आप समझ सकते हो। बच्ची तुमने चावल बनाए हैं कभी, बनाए हैं तो आप चावल लेती हो तो सीधे उसमें डाल देती हो या थाली में देखती हो, कुछ देखते हैं ना, क्या देखती हो,
कि बटलोई में डालने लायक कौन है, उससे बाहर फेंकने लायक, सही है कि नहीं? कंकड़ है तो वो बाहर फेंका जाएगा। जिस दिन आप अच्छाई बुराई को अलग अलग करने लग जाओ, उसको कहते हैं ज्ञान। समझ गए? ये जान जाओ कि ये क्या हमारे साथ जाने वाला है, क्या यही छूट जाने वाला है। ये जब ज्ञान हो जाए तब हो जाता है ज्ञान। और जब इसको हृदय से अंदर उतार लो, उसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है? तो जब असली ज्ञान प्रकट हो जाता है ना, तब पता लगता है कि कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। तो चित माने ज्ञान स्वरूप और आनंद रूपाय, वो परमात्मा आनंद का रूप होता है। एक बात और बता दें, भगवान को स्मरण करने वाला कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता है। ठीक है? डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी मन में ये आभास कराने लग जाती है कि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जिंदा रहे क्या फायदा, हमने क्या किया, क्या कर लेंगे, और ये वो जब करने लग जाए तो जान लीजिए कि ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में जा चुका है। और जो भगवान का भजन करने लग जाता है ना, वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है। ठीक है? तो वो आनंद में रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारे जीवन का एक एक दिन का विवरण भगवान के यहाँ एडवांस लिखा रखा है। लिखा है कि नहीं? कैसे? आपको कोई उदाहरण है? नहीं है? मैं बताऊं, महाराज आप पंडित जी हैं, है ना? हाँ, आपने देखा होगा कुंडली देखने वाले को, उससे पूछते महाराज हमारा ब्याह कब होगा ये देखो, तो देखता है कि नहीं कि तुम्हारे इस समय योग बन रहा है, क्योंकि ये दशा है, फिर उसकी अंतर दशा इसकी ग्रह की, फिर उसमें प्रत्यंतर दशा इस ग्रह की है, इनका कम्बिनेशन जब बन जाएगा तुम्हारी कुंडली के अनुसार, तब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। ज्योतिषी को पता है ना, ज्योतिषी तो हमारे ही तुम्हारे जैसा होता है ना, भगवान तो नहीं है, उसने देख के बता दिया। वो एक एक दिन का बता सकता है, यदि असली ज्योतिषी है वो तुम्हें बता देगा कब तुम्हारा ब्याह होगा, वो तुम्हें बता देगा कब तुम्हारा बालक बच्चे का जन्म होगा, वो बता देगा कि कब तुम बहुत ऊंचाइयां पकड़ोगे, वो बता देगा कि कब तुम्हारे नीचे गिरने के चांसेस, बताता कि नहीं? जब ज्योतिषी बता सकता है तो परमात्मा को तो सब पहले पता है ना, एक एक दिन का लिखा रखा है। और जब व्यक्ति भजन करने वाले को घाटा पड़ता है तो सोचता नहीं है, अरे हम अपना कर्म करेंगे, मेरा कर्म करना लक्ष्य है, सफलता मिले ना मिले ये ईश्वर के हाथ है। और जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी उस दिन सफलता तो हमारे पीछे घूमेगी। इसलिए कर्म से विमुख नहीं होता है, अपने काम में लगा रहता है, ये भजन करने वाला व्यक्ति होता है। तो वो आनंद रूपा है, वो आनंद का रूप परमात्मा है। ठीक है? अविश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है। अच्छा माताओ, राधे तुम्हारी जय हो जाए, आप यदि एक से बात करोगे ना, तीन का ध्यान टूटेगा। और कथा में किसी का ध्यान अलग करना थोड़ा सा अनुचित होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो विश्व उत्पत्ति आदि का जो हेतु है, उत्पत्ति आदि का मतलब जिस परमात्मा से ये विश्व बना है, जिस परमात्मा से ये विश्व चल रहा है, और जिस परमात्मा से ये विश्व धीरे धीरे
नष्ट होता जा रहा है। अच्छा नष्ट हो रहा कि नहीं, पता लग रहा कि नहीं? अच्छा कैसे? अच्छा संसार शब्द का एक अर्थ होता है, क्या मालूम है? जो सनई सनई सरती, जो धीरे से तुम्हारे हाथ से निकल जाए तुम जान ना पाओ, उसे संसार कहते हैं। ठीक है, इतने धीरे से निकल जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता है। आप सबको अपने ब्याह की जन्म ब्याह की तिथि याद होगी, हो सकता है बहुत से लोगों को अपने जन्म तिथि याद हो, हो सकता है कि अपने बालक बच्चों की तारीख याद हो, ये इस तारीख को हुआ था, ये तिथि थी, ये महीना था, है ना? और हो सकता नाती पोते जिनके हैं उनको याद हो, सच्चाई है कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ पंडित जी, तुम्हारा दाढ़ी का बाल पहला किस दिन सफेद हुआ था, तारीख बताओ। क्यों पंडित जी कैसे रूठे बैठे हो? बताओ, किसी को पता हो बताओ। नहीं है पता ना? पता नहीं लगा धीरे से कब तुम्हारा अंकल जी से ताऊ जी बन गए, ताऊ जी से दादाजी बन गए, बन गए कि नहीं? ये तो रही हमारे बालों की बात, अपने शरीर की। जो संसार जो दिख रहा है ना, घर मकान दुकान और मंदिर और ये जितना भी है कुछ, ये भी धीरे धीरे सरक रहा है कि नहीं? सरक रहा है। अभी आपको बताते हैं, हाँ, जो पुरानी माताएं जो दो कुर्सी बैठी हैं, एक ये आपका जब ब्याह हुआ था वो तो आपको सबको याद होगा, होगा कि नहीं? तो मायके, हाँ हाँ वो याद होगा, ठीक है। लेकिन उस दिन जब तुम डोली पर बैठा के ससुराल भेजी जा रही थी, तो उस दिन का जो गांव मोहल्ला कैसा था ये तो याद होगा ना, कैसा था? आज आप जाती हो मायके, क्या वही मोहल्ला दिखता है? गया ना, चला गया, जहां पर घर खड़ा था जो खंडहर मिलेगा, है कि नहीं? और जहां खंडहर था वहां नई हवेली बन गई, बन गई कि नहीं? जहां मैदान पड़े थे वहां कॉलोनी कट गई, है कि नहीं? और जहां कीचड़ से निकलते थे वहां बढ़िया रास्ता बन गई, बन गई कि नहीं? बदल गया ना। तो जो उस समय जवान घर खड़ा था, बढ़िया था, आज वो खंडहर बन गया, माने बूढ़ा हो गया। धीरे से संसार भी सरक गया कि नहीं? इसी प्रकार से धीरे 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 करके ये संसार सरक जाता है और हमें पता नहीं लग पाता है। यही संसार की सच्चाई है। दूसरी बात यह है, यहाँ का विश्व उत्पत्ति आदि हेतव, जो विश्व की उत्पत्ति आदि, आदि शब्द वहां जोड़ा जाता है, जो पढ़े लिखे हुए सब जानते होंगे, आदि शब्द उस जगह जोड़ा जाता है जहां पर कई लोग हों उसमें एक नाम लेकर के, और कह दिया जाए कि ये नाम लिया गया और कह दिया कि इनके जितने भी आदि लोग हैं वे सब आ जाओ, तो कई लोग जहां होते हैं तहां एक नाम लेकर के आदि जोड़ देने से बाकी सब आ जाते हैं। तो विश्व उत्पत्ति आदि शब्द जो जोड़ दिया है तो इसका मतलब इसमें और भी कुछ होना चाहिए। तो सब जानते हैं परमात्मा तीन काम करते हैं, क्या? उत्पत्ति, पालन और प्रलय। ठीक है, उत्पत्ति भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, और अंत में धीरे धीरे समय आने पर वो नष्ट भी हो जाता, हो जाता कि नहीं? और ये सब परमात्मा करते हैं। और इसके बाद तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का नाश करने वाले परमात्मा। एक बात बता दें, किसी के भी जीवन में कोई भी दुख हो वो तीन प्रकार के अंदर ही आएगा। एक तो होता है दैहिक, माने देह से जो शरीर में हो जाए,
फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, बुखार आ गया, जुकाम लग गया, परेशानी है कि नहीं है, और अन्य कोई रोग लग गया तो शरीर में परेशानी है ना, तो ये दैहिक देह में उत्पन्न होने वाली परेशानी, और एक दैविक जो दैव योग से होती है। दैव योग से कैसे, भयंकर आंधी आई, पेड़ टूट गए, छत पर गिरा और छत फोड़ दी, किसने किया, दैव से हुआ। ज्यादा पानी आया, फसल बर्बाद हो गई, किसने नुकसान किया, दैव ने। और एक होता है भौतिक, भौतिक कहते हैं जो भूत माने प्राणियों के द्वारा दिया जाए। बच्चे ये बैठे हैं क्यों, भौतिक विज्ञान पढ़ाई जाती है कि नहीं, है ना, भौतिक विज्ञान का मतलब समझती हो, नहीं, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, नहीं। भौतिक माने होता है भूत, माने जो भूत शब्द से भौतिक बना है, जो भूत का मतलब होता है प्राणी, भूत वो नहीं होता है भूत प्रेत वाला, भूत माने होता है प्राणी, जो प्राणियों ने लोगों ने जो बना करके दिया है उसको भौतिक कहते हैं, जो भूत प्राणियों के द्वारा जो बनाई गई। जैसे कि बाल्टी किसने बनाई है, भगवान ने या इंसानों ने, तो ये भौतिक है, ये भौतिक विज्ञान में आ जाएगी, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ये सब भौतिक विज्ञान में आते, आते कि नहीं, नहीं आते तो पढ़ लेना। कौन सी क्लास में हो, 12वीं में तुम, अरे तुम तो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो। तो ये भौतिक का तात्पर्य ही होता है कि प्राणियों के द्वारा निर्मित हो। और भौतिक ताप क्या होता है, जो प्राणियों ने हमें दुख दिया उसे हम भौतिक ताप कहते हैं। प्राणियों ने दुख कैसे दिया, हम अच्छे भले जा रहे, पीछे से स्कूटर वाले ने मार दिया, किसी प्राणी ने ही दुख दिया, हम अच्छे भले जा रहे, पीछे से कुत्ते ने खा लिया, हम पीछे से जा रहे किसी बैल ने मार दिया, हम पीछे से जा रहे किसी गाय का धक्का लगा, हम नाली में गिर गए, ये प्राणी के द्वारा है ना। यही तीन समस्याएं हैं जीवन में, इसके अतिरिक्त चौथी कोई समस्या नहीं। जितने भी संसार के दुख हैं मात्र इतने के ही अंदर सब कुछ आ जाते हैं। भगवान कहते हैं ये तीनों तापों को, ताप माने समस्याओं को, तापत्रय, तीनों तापों को विनाशाय, विनाश कर देने वाले, माने तीनों प्रकार की समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देने वाले, ऐसे श्री कृष्णाय, ऐसे श्री कृष्ण को वयम माने हम सभी लोग नमः प्रणाम करते हैं। इसके बाद सुखदेव जी की स्तुति की गई है, जो कि ये पद्म पुराण में ही है। ये यम प्रवजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोष्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, एक तो हुआ ही बड़े जबरदस्ती में, जैसे तैसे करे लाला बाहर आ जाओ, कभी हम नहीं आएंगे, कभी क्यों, अरे कभी बाहर माया है। अच्छा एक बार बताएं माताजी, आप बच्चा जिस समय जन्म लेता है, मान लो साल भर का हो गया, तो क्या उसके अंदर गुस्सा होती है, साल छह महीने के वाले के अंदर नहीं होती है, ठीक है, साल भर वाले बच्चे को ना तो गुस्सा होती है, पैसा को पहचानता नहीं है, तो उसे लोभ भी नहीं होता है, कोई चीज बन जाए कोई बिगड़ जाए उसे कोई भी तो मोह भी नहीं होता है, है ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। और जैसे ही बड़ा होता तो धीरे धीरे सब कुछ चिपक जाता है कि नहीं, जैसे ही बड़ा हुआ तो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं माता के गर्भ में है तब तक सुरक्षित, जैसे ही बाहर निकले धीरे धीरे करके माया लिपट जाएगी, समझे, माया लिपट जाएगी, इसलिए मैं आऊंगा नहीं,
व्यास जी ने कहा कि तुम्हें माया नहीं लिपटेगी, आ जाओ। जैसे तैसे उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही माया वास्तव में ना लिपट जाए, इसलिए उन्होंने जन्म लेते ही अन उपेत कृत्य, उपेत कृत्य कहते जन्म संस्कार, नालच छेदन आदि होता है ना। हाँ, जन्म संस्कार में तो बहुत कुछ होता है, आपको पता ही नहीं है, यहाँ कोई जानता तक नहीं है। अच्छा ये बताओ, अक्षय दान किसने किसने दिया है? बच्चे के जन्म लेने पर किसी ने दिया? जानते हो अक्षय दान क्या होता? नहीं जानते। जिस समय माता के गर्भ से बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस समय नाल जुड़ी होती है, जिसको प्लीसेंटा भी कहते हैं। अरे ये देखो बोली, तुम जानती हो? अरे वाह, बायोलॉजी पढ़ी है? अरे फिर तो हमारी तुम्हारी बहुत अच्छी बनेगी, इसमें बायोलॉजी बहुत दी गई है, आपको पता ही नहीं है, बहुत बायोलॉजी दी गई, उसको प्लीसेंटा भी बोलते हैं। तो वो उससे जुड़ा होता है, उस समय देख लिया कि इस समय मुहूर्त ठीक नहीं है, और जैसे ही मुहूर्त ठीक हो जाएगा आधा घंटा